एक सवाल तो जरूर आया होगा ना कि आखिर नीतीश चुनाव से पहले ऐसा करते क्यों हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस बार के लोकसभा चुनाव में इस बड़े बदलाव के बाद क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? चंपारण जैसे कई हिस्सों में बांट दिया गया है, लेकिन इन सभी को मिलाकर बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हो जाती हैं। अब बिहार में लोकसभा की 40 सीटों का समीकरण क्या कहता है, ये भी जरा समझिए। बिहार में कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं और इन 40 सीटों को 2024 के लिए अगर आपको मुझे समझाना है तो इससे पहले 2019 में मुझे आपको ले जाना होगा और 2019 के चुनाव पर एक नजर डालनी होगी। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 2019 में कितनी सीटों पर किसने चुनाव लड़ा और उस चुनाव लड़ने के बाद किसे कितनी सफलता मिलती है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और एलजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और 39 सीटों पर जीत भी दर्ज कर ली थी। भारतीय जनता पार्टी को 17, जेडीयू को 16 और एलजेपी की बात करें तो 6 सीटों पर उस वक्त जीत मिल गई थी, सिर्फ और सिर्फ एक। किशनगंज में जेडीयू को कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद जावेद के हाथों से हार मिल गई थी, बाकी सारी सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी। लेकिन अब सवाल ये है कि 2024 में नई सरकार का बिहार की इन 40 सीटों के लिए फॉर्मूला क्या होने वाला है, तो चलिए अब ये भी मैं आपको बताती हूँ। विश्वसनीय सूत्र ये बताते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने वाली है और उसके बाद 14 से 15 सीटें जेडीयू को वो दे सकती है। अब पार्टी के रणनीतिकारों का ये कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ को मजबूत करने की शुरुआत करेगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि नीतीश के बगैर भी उसके बाद वो अपनी स्थिति को बिहार में मजबूत रख सकेगी। लेकिन नीतीश की तरफ से जब ये कदम उठाया गया और इस फैसले के बाद आप ये मानिए कि बिहार में सियासी भूचाल सा आ गया। डिप्टी सीएम की कुर्सी से हाथ धोए तेजस्वी यादव ने तो ये दावा कर दिया कि 2024 में ही जेडीयू खत्म हो जाएगी। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ और आप लिख के ले लीजिए। जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। उधर आप देखिए, प्रशांत किशोर ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू को 20 सीट भी नहीं मिलने की बात कह डाली है। अगले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की दल जदयू को चाहे भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन में लड़े, अकेले लड़ जाए, 20 सीट नहीं आएगा। अगर आएगा तो ये आप लोग सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, नोट करके रखिए, मैं जीवन में अपने काम से संन्यास ले लूंगा। बिहार की जनता के विद्वता पर मुझे इतना यकीन है। अब एक खिसियानी बिल्ली कितना भी खंबा क्यों ना नोच ले, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि न सिर्फ नीतीश बाबू बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने भी सारा का सारा सियासी नफा नुकसान देख लिया है और उसके बाद ही ये बड़ा कदम उठाया है। लेकिन 2024 के लिए ये जातीय मास्टर स्ट्रोक क्या कहता है, ये भी जरा आपको समझाती हूँ। बिहार में जातिगत समीकरण कितना ज्यादा जरूरी है उसका सबसे बड़ा उदाहरण जातिगत जनगणना को भी देखा जा सकता है। लेकिन 2024 के लिए भी इस नई सरकार के पास एक मजबूत प्लान अब तैयार दिखाई दे रहा है। कैसे, आइए मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, बिहार में जो ये नई सरकार बनी है ना, इसको इस नई सरकार में दो डिप्टी सीएम मिल गए हैं, ये खबर आपने जरूर देख ली होगी। पहले हैं सम्राट चौधरी और दूसरे विजय सिन्हा। अब सबसे पहले बात सम्राट चौधरी की करते हैं, जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं और ओबीसी कुशवाहा जाति से वो ताल्लुक रखते हैं। अब ये भी जानिए कि वो नीतीश कुमार की अतीत में खुलकर कई मौकों पर आलोचना करते हुए दिखाई दिए हैं। अब इन्हीं नीतीश कुमार की ताकत लवकुश जाति को माना जाता है। कुर्मी कुशवाहा जाति के लिए लवकुश टर्म का इस्तेमाल हमेशा से बिहार में किया जाता रहा है। सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाकर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सपोर्ट बेस में घुस जाना चाहती है। अब सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के साथ शपथ ली जब वो सिर पर, आपने तस्वीर देखी होगी, साफा बांधे हुए थे।
अब मैं आपको याद दिला दूं कि ये वही साफा है जिसके बारे में ये उन्होंने कहा था कि ये तभी उतरेगा जब वो नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर कर देंगे। अब सम्राट चौधरी के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने विजय सिन्हा को भी डिप्टी सीएम चुन लिया है, उनकी भी बात जरा कर लेते हैं। अब ये दोनों नेता ही नई पीढ़ी के आक्रामक नेताओं में गिने जाते हैं। विजय सिन्हा की मैं बात करूं तो भूमिहार जाति से वो ताल्लुक रखते हैं और बिहार में बहुत बड़ी तादाद में भूमिहार जाति से जुड़े हुए लोग रहते हैं और ये इस लिहाज से एक मजबूत वोट बैंक भी हो सकता है। अब उन्हें डिप्टी सीएम बनाने के पीछे कारण भी यही है कि भूमिहार जाति को टारगेट कर लिया जाएगा। अब एक सबसे बड़ा सवाल जो मेरे और आपके मन में जरूर आया होगा कि आखिर इतनी मजबूत भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में नीतीश से धोखा खाने के बावजूद कैसे आखिर नीतीश कुमार को अपने पाले में ले लिया। अब इसके कई कारण है जो सीधा जुड़े हुए हैं किससे, 2024 के लोकसभा चुनाव से। वो क्या कारण है आइए जानते हैं। नीतीश कुमार 72 साल के हो चुके हैं और नीतीश अपने राजनीतिक करियर के ढलान की ओर हैं और बिना किसी मजबूत उत्तराधिकारी के वो इस वक्त हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि इन सभी कारणों से नीतीश को किनारे करना थोड़ा आसान हो जाता है। अब इस वक्त भी मैं आपको ये बता दूं कि बिहार में जेडीयू की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। 243 सीटों वाले बिहार में जेडीयू के पास सिर्फ और सिर्फ 45 विधायक है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अकेले बीजेपी के पास 78 विधायक है। अब अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू से ज्यादा सीटें जीत ली तो फिर जानते हैं ना क्या होगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो अपना दावा कर सकेगी और यही कहीं ना कहीं प्लानिंग भी की जा रही है। अब सूत्र तो ये भी बताते हैं कि नीतीश कुमार को सम्मानजनक निकासी दे दी जाएगी और फिर 2025 में नीतीश को केंद्र में एक बड़ी जगह दी जा सकती है। अब एक और बड़ा कारण भी मैं आपको बताती हूँ। बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी जाति और पहचान से जुड़ी हुई राजनीति पर काबू पाना चाहती है। नीतीश कुमार अगर बीजेपी के पाले में रहते हैं तो कुछ दिन पहले जारी किए गए जाति सर्वे से होने वाले जो सीधा फायदा होगा उसे भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है। अब बीजेपी के इस कदम से, यानी कि जब नीतीश कुमार यहां शामिल हो गए हैं भाजपा के साथ, एनडीए के साथ सरकार बना ली है बिहार में, तो इस कदम से आप जानते हैं सबसे बड़ा झटका किसको लगा है, इंडी गठबंधन को। इस गठबंधन को जोड़ने में सबसे अहम भूमिका किसकी थी, इन्हीं नीतीश कुमार की। अब कुल मिलाकर अगर मैं ये कहूं कि बिहार में हुई राजनीतिक घटना एक बहुत बड़ा झटका है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। अतीत में सरकार चलाने के मामले में बीजेपी नीतीश कुमार के सामने चुनौती की तरह आकर नहीं खड़ी हुई है, लेकिन अब दो ऐसे लोगों को बीजेपी ने डिप्टी सीएम बना दिया है जो नीतीश कुमार के आलोचक रहे हैं समय समय पर। कई सारी ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं। अब अंदर खाने एक और खबर आपको बताऊं, खबर ये भी है कि नीतीश ने फिर से सुशील मोदी को ही डिप्टी सीएम बनाने की मांग की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस मांग को माना ही नहीं। अब चुनाव के लिए चला गया ये मास्टर स्ट्रोक कितना सही साबित होगा उसके लिए इंतजार चुनाव के नतीजों तक जरूर करना होगा, लेकिन इसी तरह इन्हीं चुनावी नतीजों तक दूसरे किसी राज्य की चुनावी गणित लेकर मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। आप जानते हैं ना किसमें, बात चुनाव की। जी हां, थैंक यू सो मच, आई सी यू अगेन।